क्लास सेवेंथ है, ठीक है, मैथ्स बुक है आपकी ये बेटा, लाइव मैथमेटिक्स, इसका एक्सरसाइज 1.1, व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। मैंने आपको अभी पहले भी रिवाइज करा दिया था, लेकिन अब मैं आपको चैनल पे भी डाल दे रही हूँ बेटा। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी काउंटिंग नंबर, एनी काउंटिंग नंबर, मेरा एवरी काउंटिंग नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को समझ लें। ऐसे नंबर जिन्हें भी काउंटिंग नंबर कहते हैं रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर को हम पढ़ते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू, क्यू का मतलब नीचे कुछ ना कुछ हो। अगर जैसे सपोज करो 2/0 है, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हर इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव से, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, तो ये सब इंटीजर है। हर इंटीजर रेशनल नंबर है। अगर आपके -3 तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन 1 तो लिख सकते हैं हम। इसी तरह आपको पढ़ना है 0, 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, हर फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़े। अब फ्रैक्शन पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। 1/2, 3/2, ये भी सब क्या है, आपके रेशनल नंबर है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, देखिए ये एक माइनस लग रहा है तो ये नेगेटिव है, ये एक भी माइनस नहीं है, पॉजिटिव है। दोनों माइनस है, कट गए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये दोनों कट गए, पॉजिटिव। तो ये इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं आपके। अब इसमें आपको ये बताया था कल, राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अपनी मर्जी है, कुछ भी लिख लो। पॉजिटिव 1/3, 2/8, 6/5, -1/3, -1/4, -1/5, और इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो यही लिखा है। देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए सब में अपॉन 1 लगा दीजिए, तो ये बन गया रेशनल नंबर। इसके बाद कहा, रेशनल नंबर में जीरो नहीं होता है, इतना ही पहले अभी करिए।